जहां पर पुलिस भी हरकत में आई है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों पर जो FIR थी अब उनकी उन पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। जिला पुलिस रामबन ने दो लोगों पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक किया है और उन दोनों पर यह इल्जाम है कि वह एंटी नेशनल एक्टिविटीज के अंदर मुलविस पाए गए हैं और जिन दो लोगों पर गिरफ्तारी की करने के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया है उसके बाद सियासी मैदान के अंदर सियासी पार्टियों की तरफ से भी रद्दअमल आना शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक साजिश से ताबीर देते हुए कहा कि सीनियर लीडर पर PSA का इतलाक करना दरअसल इंतजामिया ये चाहती है कि एक ही आवाज़ को चलाया जाए और एक ही आवाज़ को सुना जाए, लेकिन पुलिस इंतजामिया की तरफ से साफ कर दिया गया कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है दरअसल पिछले कई हफ्तों से इंटेलिजेंस इनपुट और दीगर मामलात की बिना पर ही उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट का इतलाक उन पर हुआ है। और पब्लिक सेफ्टी एक्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर एक और बयान आपको बताते हैं जो कि जस्टिस Y चंद्रचूड़ का सामने आया है, जिन्होंने PSAs हो या फिर UAP के तहत खास तौर से मुल्क के अंदर या इंसाफ दहशतगर्दी के जो मामलात होते हैं उसमें कार्रवाई जो होती है उस पर एक बहुत अहम बयान दिया है। इंसाफ दहशतगर्दी कवानीन के गलत इस्तेमाल के मामले पर उन्होंने एक खसूसी प्रोग्राम के दौरान बात की है और इंसदादे दहशतगर्दी कानून का इस्तेमाल नारवा जस्टिस Y चंद्रचूड़ इख्तलाफ राय की आवाजों को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल ना हो इस बात को यकीनी बनाने पर उन्होंने जोर दिया इस प्रोग्राम में और जस्टिस चंद्रचूड़ ने शहरियों के हुकूक को तहफ्फुज़ देने का भी मशवरा उन सभी एजेंसियों को उन सभी तंजीमों को दिया जो इंसानी हुकूक की बहाली के लिए काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ इख्तलाफ राय की आवाज़ों को दबाने के लिए बताते हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन जो हैं इनके गलत इस्तेमाल अगर होकर किसी पर केस लगाया जाता है उसकी आवाज़ को दबाया जाता है अलग राय मुख्तलिफ राय रखने पर तो ये जमहूरियत के खिलाफ है। उनके मुताबिक जो कि भारत अमेरिका कानूनी ताल्लुकात से मुतल्लिक एक प्रोग्राम हो रहा था जिसमें उनने इस बात का खुलासा किया कि जो इंसदाद दहशतगर्दी कानून है इस समेत इंसदादे जुराइम के मुख्तलिफ कवानीन का गलत इस्तेमाल करके अगर किसी की राय अलग है किसी का ओपिनियन अलग है कोई आपसे आपकी बात से इत्तफाक नहीं रखता तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है जो जमहूरियत की खिलाफ है जमहूरियत के अपोजिट जाता है। साथ ही उनने अदालतों को यह मशवरा दिया है कि तरजीह बुनियादों पर शहरियों के हुकूक की बहाली के लिए काम किया जाए और वो जो तंजीमें जो इंसानी हुकूक की बहाली के लिए इंसानी हुकूक के बेहतर इकदाम के लिए हमेशा दावा करती आई हैं उनकी जिम्मेदारी आज के दिन में बढ़ गई है जहां पर मुख्तलिफ महाजों पर मुख्तलिफ नजरियात की नुमाइंदगी करते ये तंजीमें भी नजर आती हैं इन तमाम चीज़ों को बचाने के लिए और अगर कोई किसी से भी अलग राय रखता है उसके खिलाफ मामला अदालत में चले जाते हैं तो उस कानून के तहत कार्रवाई शायद नहीं होनी चाहिए जो इंसदादे दहशतगर्दी कवानीन है और इसका अगर कार्रवाई होती है तो गलत इस्तेमाल किसी की मुख्तलिफ राय होने पर नहीं होनी चाहिए। जस्टिस DY चंद्रचूड़ का यह बयान और बात जब PSAs के और UAPA के हवाले से हो रही है तो उनका बयान आज के दिन में काफी अहम जहां पर शहरियों के हुकूक को तहफ्फुज़ न देने का इल्जाम सरकार पर हमेशा हिज्ब-ए-इख्तिलाफ लगाती आई है।